हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। ऑन 3 जून 2019 वी वेंट टू लोकल प्लेसेस एंड स्पॉट्स इन फुकेट। वी सेलिब्रेटेड आवर डॉटर्स ताज मित्रास 7th बर्थडे इन अ मोस्ट यूनिक वे। ऑन दैट डे वी बुक्ड वन कार फ्रॉम आवर होटल स्विस होटल फॉर 6 आवर्स। हमें इसका कॉस्ट 6 आवर्स के लिए 1900 बात पड़ा, लेकिन अगर आप बाहर से ये बुक करें तो ये थोड़ा कम भी पड़ सकता है। सो फर्स्ट प्लेस वेयर हम गए वॉज टाइगर किंगडम। इन टाइगर किंगडम पीपल एंड द टाइगर्स लिव पीसफुली टुगेदर। द टाइगर्स आर लव्ड एंड केयर्ड फॉर सिंस द वेरी बर्थ एंड अंटिल द ओल्ड एज। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन ट्रेनर हु टेक केयर ऑफ द टाइगर एंड ट्रेन्स इट। एक भी टाइगर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें खाने पीने की कोई कमी दी जाती है। सबका हेल्थ बहुत अच्छा है और उनके साथ खेलने के लिए हमें थोड़ा भी डर नहीं लगा, क्योंकि ट्रेनर हर समय हमारे साथ वहाँ पर खड़े थे। हमने टाइगर के साथ अलग अलग पोज में फ़ोटो खींचे। अगर आप भी अगर अलग से फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फोटोग्राफर्स भी अवेलेबल होंगे जिनका अपना अलग से कॉस्ट है। आपको टाइगर के साथ खेलने के लिए, उन्हें हग करने के लिए अलग अलग कॉस्ट पड़ेगा। फीड करने का भी अलग वहाँ पे कॉस्ट रखा गया है। जहाँ पे हम एज आई हैव 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर, सो हमें बड़े टाइगर के साथ खेलने का चांस नहीं मिला। टिकट रेट्स आर 1900, 1500 एंड 2300 बार। वी प्लेड विथ वस्का। यस, दैट लिटिल 4 मंथ्स ओल्ड कब इज वस्का। विथ वस्का हमने जो अपना मोमेंट स्पेंड किया वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट है। आफ्टर टाइगर किंगडम हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ, जिसका नाम है वेटशेलोंग। वेटशेलोंग टेम्पल इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेवर्ड। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट इन इट्स करेंट लोकेशन इन 1837। हाँ, यहाँ सबसे यूनिक भी लगा यहाँ का प्रेयर सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रेयर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ क्रैकर्स के जरिए प्रेयर किया जाता है। यस, यहाँ क्रैकर्स को जलाकर प्रेयर करने के लिए एक अलग प्लेस है। 60 बार जिसको आपको देना पड़ेगा 250 क्रैकर्स के लिए एंड 2000 बार फॉर 1000 क्रैकर्स के लिए। सॉरी, 200 बार फॉर 1000 क्रैकर्स के लिए। यहाँ पे अलग से आदमी को रखा गया है जो आपसे क्रैकर्स लेकर उन्हें इस जगह में जलाएगा, और जलाने के बाद जब धुआं निकलेगा तब आपको समझना होगा कि आपकी प्रेयर आज के लिए भगवान के पास जा चुकी है। सो हमने वहाँ पे इस यूनिक वे से प्रेयर किया, और उसके बाद प्रेयर करने के बाद हम चल पड़े मंदिर की तरफ। ये है वेटशेलोंग, जो अभी भी कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है। यहाँ लॉर्ड बुद्धा के डिफरेंट मूर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा की बहुत सी मूर्तियाँ जो डिफरेंट पोज में हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं इन स्टैचूज़ के सामने, थोड़ा सा घूमते हैं और फिर डिफरेंट पोज में अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं। और उसके बाद मंदिर के थोड़े अंदर सीढ़ियाँ हैं जो जहाँ से आप और भी ऊपर के तरफ इस मंदिर के जा सकते हैं। वहाँ से आपको सारा नज़ारा बाहर का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमने भी भगवान लॉर्ड बुद्धा के सामने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, उनके हर एक पोज का मैंने फ़ोटो लिया, एंड देन उसके बाद मैंने खुद भी उनके सामने बैठकर अपने फ़ोटोज़ खींचे। मुझे ये सब करना बड़ा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ लिए हैं। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा के फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग वेटशेलोंग को एक बार और अच्छे से देख के निकल पड़े हमारे नेक्स्ट जर्नी बिग बुद्धा की तरफ। बिग बुद्धा और द ग्रेट बुद्धा ऑफ फुकेट इज़ अ सीटेड मरावीजा बुद्धा स्टैचू इन फुकेट थाईलैंड। इन द एंट्रेंस हमने कुछ शॉप्स भी देखे जहाँ पीपल के पत्ते जो मेटल के बने हुए थे वो बिक रहे थे। उसमें लोग अपनी प्रेयर्स को लिख के उसको हैंग कर रहे थे। तो इसका कॉस्ट आपको 150 या 200 बात पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिग बुद्धा के वहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा है, इतना प्लीजेंट है। क्लाइमेट भी हम लोगों को बहुत अच्छा मिला।
हमने बहुत अच्छे से बिग बुद्धा में चारों तरफ घूम के उसको एक्सप्लोर करके चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन एलिफेंट पार्क। एलिफेंट पार्क में हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हमने हाथियों के साथ अपना कुछ समय बिताया। यहाँ हाथियों के साथ एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफरेंट प्राइस है, 1300 baht फॉर टचिंग एंड बेदिंग, 2000 baht फॉर फुल बेदिंग एंड 100 baht फॉर फीडिंग। हमने 100 baht से एलिफेंट को फीड किया, उस क्यूट से एलिफेंट के साथ फ़ोटो भी लिए। वन थिंग मोर, ये एलिफेंट बहुत फ़ोटो फ्रेंडली है। जब इनको इनके ट्रेनर बोलते हैं कि फ़ोटो खींचना है या उनकी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, वो झट से पोज दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये मुझे किस कर रहा है, और ऐसा स्पेशल किस शायद ही किसी को मिले। शाम के समय हम चल पड़े एक अलग नज़ारा देखने के लिए, जो था कैरन व्यू पॉइंट, जहाँ से हमने सनसेट देखना था। बट किस्मत क्लाइमेट के कारण हम सनसेट देख नहीं पाए, बस फोटो खींचकर थोड़े से पोज में खड़े होकर हम वहाँ से वापस चले आए। कैरन व्यू पॉइंट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, सनसेट का नज़ारा और वहाँ की प्लीजेंट क्लाइमेट मन को लुभाने के लिए बहुत है। हमने वो सब इंजॉय करने के बाद चल पड़े फूड मार्केट। थाईलैंड में फूड मार्केट हर जगह फेमस है। पटांग बीच के पास इस फूड मार्केट में हमने बहुत कुछ नया नया खाना एक्सप्लोर किया। यहाँ पे जो थाईलैंड की स्पेशल कुजीन है और वहाँ के जो फेमस खाने हैं, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एकदम साफ सुथरा आपको बहुत अच्छे कंफर्ट में खाने के लिए मिलेगा, जिसका कॉस्ट 100 baht, 150 baht या 200 baht पड़ता है, जो बहुत इजी भी है किसी के लिए अफोर्ड करना। तो लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने मनपसंद खानों को खाते हैं और एक्सप्लोर भी करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट फूड्स खाए, जैसे कि फिश, उसके बाद मैंने यहाँ पर पोर्क खाया, पोर्क बारबेक्यू, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वन थिंग मोर जो मैंने खाया वो था स्टिकी राइस। इन सब का कॉस्ट हम लोगों को नियर अबाउट 150, 100, 200 baht पड़ा। यहाँ पे राइस, राइस एंड एग ऑमलेट, राइस एंड पोच, ये सब भी अवेलेबल है, जो 200 baht में एकदम आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे साफ सुथरे प्रॉन्स हैं, खाना है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। थाईलैंड के जो फेवरेट कुजीन है उसका मज़ा ले सकते हैं, खा पी के उसके बाद आप फील कर सकते हैं, यस थाईलैंड देख लिया। जो भी है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।